पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए हम जो है एक फंक्शन डिजाइन करते हैं जिसको हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स जो कि पॉइसन प्रोसेस से आए, यानी अगर हम किसी प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स अक्कर होने की या ना होने की हो, यानी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस हो, इस तरह से अक्रेंस और नॉन अक्रेंस, इस तरह से कि अक्रेंस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम कर दिए जाएं, इसलिए हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ ऑफ रेयर इवेंट्स भी बोलते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर के साथ में इसको कनेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स ली, जैसे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेज प्रोड्यूस बाय मशीनरी, ठीक है, ये बेसिकली एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या है, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। टाइपिंग एरर्स ऑन ए पेज क्या है, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो अक्कर होने के यानी डेथ्स होने के, डेथ क्लेम्स होने के जो चांसेस हैं, या मशीन जो एक डिफेक्टिव पीसेस बना रही है डिफेक्टिव होने के जो चांसेस हैं, या जब एक पेज के ऊपर जो एरर्स कर उनके जो चांसेस हैं, या किसी रोड पे एक मंथ के अंदर एक्सीडेंट्स आप नोट कर रहे हैं उनके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो व्हेन पी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, सो दैट एन गेट्स लार्ज, ठीक है, यानी एन बढ़ जाए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करेंगे तो उस इवेंट के अक्कर होने के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि पॉइसन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ एक्स लैम्डा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या बल्कि हम सिंपल बात करते हैं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल स्मॉल एक्स बोलूंगा, बिकॉज इसमें हम पाइसॉन स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं, पाइसॉन रैंडम पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा रेज टू पर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, ओवर एक्स फैक्टोरियल, वेयर एक्स कैन टेक सॉरी एक्स लैम एक्स फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल से ही बना दूं, वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू सो वन। अब बेसिकली ये फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमने यूज किया था वेयर व्हाट इज लैम्डा, अब लैम्डा जो है लैम्डा रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द इवेंट्स विद इन स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक है। लैम्डा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा रिप्रेजेंट्स एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द इवेंट, यानी मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूं कि जैसे हमने बात कर ली की थी कि एक मशीन डिफेक्टिव पीस बनाती है, फॉर एग्जांपल हमने देखा एक घंटे में उसने चार डिफेक्टिव पीस बनाए, अगले घंटे में तीन बनाए, अगले में उसने चार बनाए, अगले में तीन बनाए, अगले में दो बनाए। अब अगर आप इन फाइव आवर्स की एवरेज ले लें, ठीक है, फाइव आवर्स की एवरेज ले लें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पर आवर उसने कितने डिफेक्टिव पीसेस बनाए या वो कितने डिफेक्टिव पीसेस बनाती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनको ऐड करेंगे, 4 + 3 = 7 + 4 = 11 + 3 = 11 + 5 = 16, तो 16 डिवाइडेड बाय मैं 5 कर दूंगा तो 3.2, वो हम कह देंगे ऑलमोस्ट 3 जो पीसेस है ऑन एवरेज मशीन जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करिए, सो दिस इज गोइंग टू बी द लैम्डा एवरेज, जो एवरेज बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो दैट रिप्रेजेंट लैम्डा। अब ई आपको पता है इज लाइक यू नो पाई जो कि एक जो है कॉन्स्टेंट है, इरेशनल नंबर है, इस तरह ई विच इज कॉल्ड यूलर्स कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू किसकी कितनी होती है 2.71828, ठीक है, ये बेसिकली ई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा, ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा जो है, ठीक है, ये बेसिकली मतलब इसके लिए हमें डिफरेंट टेबल्स भी मिलते हैं, अदरवाइज हम ऑन कैलकुलेटर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यूलर्स कांस्टेंट की जो भी पावर लैम्डा लेंगे वो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स व्हाट इज एक्स फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल मीन 5 टाइम्स 4 टाइम 3
3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, दिस इज द फैक्ट 5 फैक्टोरियल. इस तरह हम x फैक्टोरियल भी यहां पे उसी सेंस में ही ट्रीट करेंगे. ठीक है, x फैक्टोरियल विल बी ट्रीटेड इन द सेम सेंस. और ये तो हमने फैक्टोरियल की बात कर दी. और अगर आप x की बात करते हैं तो बेसिकली x क्या है, जो नंबर ऑफ जो यानी प्रोबेबिलिटी, आई मीन जो नंबर ऑफ अकरेंस होगी, यानी जैसे हम बात करते हैं जी कि अगर अकरेंस होने के चांसेस जो है वो एक दफ़ा पे हम बात करें जी कि अगर हम ये देखना चाहें कि 100 बल्ब में 4 बल्ब के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 बल्ब के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमारी सक्सेस होती है, यानी ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. बिकॉज मैं डिफेक्ट को सक्सेस के साथ बेसिकली ट्रीट कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहूँ कि 100 बल्ब में से 10 बल्ब खराब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो आई ट्रीट एक्स इज 10, एंड अगर 15 चाहिए तो 15 ट्रीट कर लूंगा, 4 चाहिए 4 ट्रीट कर लूंगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स. ठीक है, यानी हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कहते हैं जी कि यानी जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अप्लाई करते हुए, यानी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास पॉइजन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एक गिवन केस के अंदर. हम कहते हैं जी इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डिफेक्टिव, यानी 3% ऑफ द बल्ब आर, सॉरी मैं यहाँ पे एक डिफरेंट पेन ले लूँ, हम बात करते हैं 3% ऑफ द बल्ब जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो कि एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, देयर डिफेक्टिव. चलें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3% bulbs are defective, bulbs are defective, defective. चलें जी ये बात होगी. ठीक है, अब हमने फाइंड आउट ये करना है अगर 3% ऑफ द बल्ब आर डिफेक्टिव. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5, सॉरी बल्ब स्पेलिंग देख लें, बल्ब्स 5 ऑफ द बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव. ठीक है, 5 of the bulbs will be defective. 5 of the bulbs will be defective. Will be defective. तो बहुत easy है, बहुत ही easy process है. यानी हम इस probability function के through हम इसको find out कर सकते हैं. किस तरह से कि यहाँ पर simple जो चीज़ें हैं वो ये है कि n जो है इस केस में नंबर ऑफ ट्रायल हम करेंगे 100. तो 100 बल्ब को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सैंपल हमारे पास क्या है 100. तो 100 का सैंपल है, probability of success p is going to be 0.03 because 3% of the bulbs are defective. So out of 100 3 bulbs, that means 0.03 is the p. ठीक है, now lambda किसके equal होता है, ये आपने याद रखना है हमेशा. lambda is always going to be equal to n times p, n times p. ठीक है, n times p, that is because हमने lambda बोला था, lambda is the average number of occurrence of the event. तो average किससे निकाली जाएगी, अगर 3% चांसेस हैं कि वो गलत, मतलब यू नो डिफेक्टिव प्रोड्यूस कराए, तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 टाइम्स 0.03. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3. तो लैम्डा इज 3 बिकॉज एवरेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, 3 हैं. 3 बल्ब आउट ऑफ 100 आर डिफेक्टिव. तो वेरी इजी. ठीक है, अब हम गिवन उस सिचुएशन पे आते हैं कि वी नीड टू फाइंड एक्स, वी हैव टू पुट एक्स इक्वल्स 5. We have to put x equals 5. X equal 5. तो simple simple क्या है? Probability of x equal 5 is going to be equal to e raised to power minus lambda and times lambda raised to power x over x factorial. ये apply करेंगे हम. ठीक है, which is equal to e क्या है, 2 point something e raised to power minus lambda, minus लैम्डा कितना है 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3, दिस इज लैम्डा. ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस 3 टाइम्स लैम्डा, 3 रेज टू पावर एक्स, व्हाट इज एक्स, 5, 3 रेज टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल. ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं जी ई रेज टू पावर माइनस 3. अगर ऑन कैलकुलेटर चले जाएं, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वेयर इज द वैल्यू ऑफ ई. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो e यहाँ पे अभी इस कैलकुलेटर पे हमारे पास लिमिटेशंस हैं, e गिवन नहीं है, बट यू कैन वी कैन यूज इट्स वैल्यू. ठीक है, ये जो e है इसकी वैल्यू है 2.77718 28. ठीक है, इसकी हम पावर लेंगे, नेगेटिव में है इसकी पावर,
इसकी पावर है, बल्कि चले हम यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई यूं कर लेते हैं, यानी वन डिवाइडेड बाई टू रेज, वन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 2.7, 2.7 1 8 2 8 7 1 8 2 8, ठीक है, इसकी पावर है कितनी, 3, और ब्रैकेट क्लोज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 पॉइंट 20 पॉइंट, ये अभी यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टफ, यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर गलत आ रहा है, आई थिंक वी शुड डू इट इन द अदर वे, वन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में आ जाएगा 2.7, 2.7 1 8 2 8, ठीक है, और इसकी पावर है 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें तो ये आता है इज इक्वल टू, करें तो एग्जैक्टली हमने इज इक्वल टू नहीं किया था, 0.04 0.04979, ठीक है, 0.04979, हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे।